हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, आप सब लोग आज थोड़े खुश होंगे क्योंकि आज मार्केट अप गया। मैंने कल ही वीडियो बनाकर रात को आपको बताया था कि आज मार्केट ऊपर जाने वाला है और आज मार्केट ऊपर गया और स्ट्रांग ऊपर गया। 1.9% से निफ्टी ऊपर गया आज, जो कि काफ़ी रिलीफिंग बात है, काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री बात है सब इन्वेस्टर्स के लिए। आप में से काफ़ी लोगों के शेयर्स आज भागे होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा शेयर आपका सबसे ज़्यादा भागा आज और किस में आपका लॉस रिकवर हुआ आज के सेशन में, जो कि और आज आपने कौन सा शेयर्स बाय किया या कौन सा शेयर में से एग्जिट किया, कमेंट करके आप ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, मैंने कल आपको वीडियो बनाकर बताया था कि आज मार्केट अप जाएगा और आज के मार्केट अप जाने के लिए 7 रीजंस है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आज मार्केट ऐसा क्या हो गया कि अचानक ऊपर रॉकेट बनकर ऊपर गया, जो कि एक ही दिन में अच्छी रैली दिखाई और 1.90% से अप गया। निफ्टी आज 15,400 पे खुला था, नीचे से ऊपर गया, 15,700 तक गया और बाद में क्लोज हुआ है 15,600 पे, जो कि अच्छी खासी क्लोजिंग कही जाएगी काफ़ी दिनों के बाद, जो कि मार्केट गिरते ही जा रहा था 15,200 तक गया था, वहाँ से अच्छी खासी रिकवरी मार्केट ने दिखाई है। नंबर वन रीज़न है फ्रेंड्स, एशियन मार्केट अप था आज। अगर आप एशियन मार्केट की बात करोगे तो थाईलैंड का मार्केट था 1% अप, कोरिया का मार्केट 0.75% अप, हांगकॉन्ग का मार्केट 1.75% अप और जापान का मार्केट था 1.80% अप, तो वो भी एक फर्स्ट क्यू था मार्केट का ऊपर जाने के लिए। उसके अलावा बाद में जब यूरोपियन मार्केट खुला फ्रेंड्स, तो यूरोपियन मार्केट भी देखिए, पेरिस आज 1.6% अप है, फ्रांस मार्केट, इटली मार्केट 1.10% अप और जर्मन मार्केट भी 1.30% अप है, लंदन मार्केट 1.70% अप है, तो यूरोपियन मार्केट से भी सपोर्ट मिला हमारे मार्केट को सस्टेन करने के लिए, जो कि ऊपर ही ऊपर जा रहा था आज मार्केट, तो वो नीचे नहीं गिरा दोपहर को क्योंकि यूरोप मार्केट भी आज ऊपर खुला था। तीसरा रीज़न है फ्रेंड्स कि वैल्यूएशंस काफ़ी चीप हो चुके थे मार्केट में, जो कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी थी बाय करने की, और काफ़ी दिनों से मार्केट गिर रहा था तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स लोगों ने आज अच्छी बाइंग की है। और अगला रीज़न ये था कि जो भी एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा था कि मार्केट बहुत सस्ता हो चुका है और उन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि इस लेवल पर एक्युमुलेशन कर सकते हैं, तो उसके कारण भी थोड़ी खरीदारी देखने को मिली है, क्योंकि सब एक्सपर्ट्स ब्रोकरेज हाउस ने सबने कहा था कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है, तो अभी एक तेज़ी बनती है तो रिकवरी आ सकती है, तो वही देखने को मिला हम लोगों को कि आज भी मार्केट में हमें रिकवरी देखने को मिली। अगला रीज़न ये था फ्रेंड्स कि यूएसए मार्केट कल बंद था, तो यूएसए मार्केट जब तक अंकल सैम जब तक अभी खुलेंगे आज रात को, उसके बाद में ही नई दिशा पता चलेगी। बट यूरोपियन मार्केट बंद होने, अमेरिकन मार्केट बंद था कल, तो उसका भी एक तरह से एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है मार्केट में, क्योंकि यूरोप अगर अमेरिकन मार्केट डाउन रहता था तो आज हमारा मार्केट भी गिरते हुए दिखता था, बट ऐसा नहीं था। अब पता चलेगा आज क्या होता है। अगला रीज़न ये है कि क्रूड ऑयल जो घट रहा है, क्रूड ऑयल अभी देखिए 124 तक गया था पर बैरल, वहाँ से घटकर अभी 110 तक आ चुका है क्रूड ऑयल, 108 तक गया था, अभी आज 110 पे ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल को। तो ओवरऑल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की गिरावट हुई है उसके कारण भी, जो क्रूड ऑयल काफ़ी कंपनियों का रॉ मटेरियल है, केमिकल कंपनियां, पेंट कंपनियां और काफ़ी चीज कंपनियों के क्रूड ऑयल जो रॉ मटेरियल है, तो उनके मार्जिन्स बढ़ेंगे इस एक्सपेक्टेशन से भी आज हमें रैली देखने को मिली, तो ये भी एक रीज़न था। और कल एक और एक पॉजिटिव न्यूज़ थी कि FII का सेलिंग एज़ कम्पेयर टू DII का सेलिंग कम हो गया था, तो FII का सेलिंग का फ्लो कम हो रहा है, ये न्यूज़ भी मार्केट के लिए पॉजिटिव साबित हुई है कि FII का सेलिंग अभी ढीला पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि आज FII का डेटा क्या आता है, शाम को पता चलेगा कि FII ने कितना सेलिंग किया है और आज बाइंग कितना किया है DII ने। बट FII ने कल सेलिंग जो था उनका वीक था एज़ कम्पेयर टू DII, तो वो भी मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ थी कि FII का सेलिंग धीरे धीरे अभी कम होते जा रहा है, थोड़ा सुस्त पड़ते जा रहा है। तो ओवरऑल ये काफ़ी रीजंस थे जो कि मार्केट को ड्राइव कर गए और मार्केट ऊपर गया है। अब सवाल ये आता है कि अगला स्टेप क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स, 15,800 को क्रॉस करना ज़रूरी है निफ्टी ने, वहाँ से क्रॉस करता है तो 16,000 को जब रियल में क्रॉस करके सस्टेन करेगा, जब भी हमें लगेगा कि रियल में तेज़ी आ रही है, नहीं तो ये टेम्प्ररी तेज़ी ही कहलाएगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि ये जो तेज़ी है वो सस्टेन रहना चाहिए 15,800 के ऊपर जाकर, और उसके बाद में 16,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन रहना चाहिए। अगर आज आप देखोगे सेक्टर वाइज, तो निफ्टी फार्मा था 2% अप, निफ्टी IT जो बहुत ज़्यादा पिट चुका था 3% अप था आज, निफ्टी मेटल था 4% अप, जो कि वो भी काफ़ी गिरावट में था काफ़ी दिनों से, निफ्टी एनर्जी 2.30% अप,
निफ्टी बैंक 2% अप, निफ्टी ऑटो 2% अप, निफ्टी रियल्टी रियल एस्टेट का सेक्टर है 3.30% अप, स्मॉल कैप 3% अप, मिड कैप 3% अप। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज जबरदस्त सभी सेक्टर्स में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। तो ये सब रीजंस के कारण मार्केट भागा है, बट आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होना है। जो थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट किया होगा आपने कम रेट में तो अच्छी बात है, और या किसी ने प्रॉफिट बुकिंग की होगी या किसी शेयर्स में से एग्जिट किया होगा। अब आने वाले दिनों में यूएसए मार्केट और जो नए डेटा इस वीक में रिलीज़ होने वाला है उसके बाद ही पता चलेगा कि मार्केट कैसा चलता है। बट ओवरऑल ये जो 7 रीजंस थे उसके कारण मार्केट आज ऊपर भागा है। अब देखते हैं, रात को मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या हो सकता है, कल का मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। बट ओवरऑल आज का जो मार्केट ऊपर गया उसके कारण आप सब लोग रिलैक्स होंगे, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कौन सा स्टॉक्स बाय किए आज, या कौन से स्टॉक में से एग्जिट किया, या आपका सबसे ज़्यादा कौन सा स्टॉक बहुत ज़्यादा भागा जो कि काफ़ी दिनों से भागा नहीं था। थैंक यू फ्रेंड्स।